खटीमा के इस्लाम नगर गोटिया में नगर पालिका के स्लाटर हाउस का 2018 से बंद होने के बावजूद भी लगातार स्लाटर हाउस से मांस बेचे जाने की शिकायत सामने आ रही है। इस पर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी दीपक शुक्ला ने नगर पालिका की टीम के साथ स्लाटर हाउस का निरीक्षण किया। नगर पालिका परिषद खटीमा के अधिशासी अधिकारी दीपक शुक्ला ने बताया कि खटीमा नगर पालिका का स्लाटर हाउस सन 2018 से मानक पूर्ण नहीं होने के कारण बंद है और मांस स्लाटर हाउस में बेचे जाने की खबर सामने आ रही है, वह पूर्ण रूप से निराधार है। वहीं इस्लाम नगर गोटिया में बिना लाइसेंस के मांस बेचे जाने पर अधिशासी अधिकारी ने बताया कि उनके द्वारा 31 मार्च 2024 तक लाइसेंस निर्गत किए गए थे, उसके बाद अभी कोई भी लाइसेंस निर्गत नहीं किया गया है और जो लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए अनियंत जगह से लाकर मांस की दुकान चला रहे हैं, यदि वह GST बिल और डॉक्टर की प्रक्रिया पूर्ण कर रहे हैं तो वैध होगा, अन्यथा अवैध होगा। उधम सिंह नगर खटीमा से ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। वर्ष 2018 से मानक ना पूर्ण होने के कारण जैसे कि NGT के द्वारा बताया गया था हमारा स्लाटर हाउस बंद चल रहा है। हमारे द्वारा इसका निर्माण कार्य पुनः करवाया गया है, ETP प्लांट की स्थापना की गई है। कुछ मानक ऐसे हैं जो कि स्लाटर हाउस प्रारंभ होने के समय ही पूर्ण हो सकते हैं, इस वजह से अभी तक स्लाटर हाउस बंद चल रहा था और वर्तमान में भी बंद है। इसे अतिशीघ्र मानक पूर्ण करके PPP मोड पर देने की कार्रवाई की जाएगी। और जो पेपर में आ रहा था कि पालिका के स्लाटर हाउस में मांस भैंसा बंद करके मांस बेचा जा रहा है, वो पूर्णतः निराधार है। जो दुकानें वर्तमान में चल रही हैं उनके लाइसेंस इस वर्ष हमारे द्वारा निर्गत नहीं किए गए हैं। वर्ष 2023-24 में लाइसेंस 31 मार्च 2024 तक के लिए निर्गत किए गए थे और जैसा कि यह है कि ये लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए व्यवसाय करते हैं, तो ऐसे स्लाटर हाउस जो प्रदेश में और जगह चल रहे हैं वहाँ से भैंसे मांस ला के इनके द्वारा बेचा जा रहा है। तो जो बिगड़ लाइसेंस वर्तमान में तो उन दुकानों के लाइसेंस हमारे द्वारा निर्गत नहीं किए गए हैं और यदि ये लोग क्या कहते हैं GST बिलों के साथ और डॉक्टर की जो रिपोर्ट है उसके साथ मांस बिक्री करते हैं तो वो वैध है, अन्यथा अवैध है।